हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि हम ओला कैब कैसे बुक करवा सकते हैं। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर में जाके ओला कैब्स की ऐप सर्च कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए और फिर हम इसके फीचर्स देखते हैं। पहले इसमें फीचर्स हैं कि आप अपने आसपास जो आपकी राइड्स हैं, जो टैक्सीज हैं, वो आसपास हैं या नहीं, वो आपको मैप में लोकेशन देख के पता चल जाएगा। और इसमें भी ऑप्शंस हैं टैक्सी की, माइक्रो, मिनी, शेयर, आप दूसरों के साथ अपनी फेयर शेयर कर सकते हैं, प्राइम, लग्जरी और ओला ऑटो, ये भी सिलेक्टेड सिटीज़ में हैं। और फिर है कि जो आप अपने फेयर्स हैं 50% तक शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ कारपूल करके। आप अपनी राइड को ट्रैक कर सकते हैं जब आप कोई भी टैक्सी बुक करते हैं कि आपको कितनी देर में पिक करने आ रहे हैं वो ड्राइवर। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इमरजेंसी अलर्ट बटन भी दबा सकते हैं, कॉल पुलिस और या अलर्ट कॉन्टैक्ट्स अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाए। और फिर बाद में जब अब आपका आपकी राइड कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप अपने ड्राइवर की रेटिंग बता सकते हैं कि रिव्यू कर सकते हैं कि आपकी राइड कैसी थी। और आप अपनी लोकेशंस को सेव कर सकते हैं इसमें, और जो एक ही टैप में आपकी डेस्टिनेशन और आपकी लोकेशन उसमें पता चल जाएगी। आप इसमें ओला मनी भी, इसमें वॉलेट भी है, उसको आप टॉप अप करके उसमें कैश रख सकते हैं और कैशलेस बाद में राइड्स आप इंजॉय कर सकते हैं, या आप कैश भी दे सकते हैं ऑन द स्पॉट। अब हम ऐप खोल के देखते हैं। जैसे ये ऐप है, इसके बाद आप ये देखिए, इसमें चेक अवेलेबिलिटी, बुक योर राइड हम टैप करते हैं। सबसे पहले वही साइन अप करवाएंगे और आप अपना साइन अप कर लीजिए। उसके बाद आपकी लोकेशन खुल जाएगी, लोकेशन ऑन करने के बाद, और आपको ड्राइवर की पिकअप टाइमिंग पता चल जाएगी, ड्राइवर का नाम, सारी डिटेल्स आ जाएंगे आपके पास। आप अपना जो फेयर है पहले भी भर सकते हैं या बाद में, और आपको कूपन्स भी मिल जाएंगे। इस तरीके से आप अपनी वो ओला टैक्सी बुक कर सकते हैं। इस तरह आप अपना फ़ोन नंबर रजिस्टर करके और अपना नेम सेव करके आपका अकाउंट बन जाएगा और आप स्टार्ट बुकिंग कर सकते हैं। जब हम ऐप ओपन करते हैं तो फिर हमें वो अपनी डिवाइस की लोकेशन टर्न ऑन करने को कहते हैं। और इसके बाद अब हम हमारी लोकेशन पिन कर देंगे और जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ हम अपनी लोकेशन वो वाली यहाँ फिल कर देंगे। इस तरह से ये इसकी ऑप्शंस आ जाएंगे नीचे, नो बाइक्स, नो कैब्स, नहीं है माइक्रो मिनी, ऐसे। अगर आप अब जैसे अभी राइड करना चाहते हैं तो राइड ना दबा दीजिए और उसके बाद आपके ऑप्शंस आ जाएंगे आगे।